guys, welcome back to CMA Junction. यह हमारी वीडियो सीरीज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 75th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर रॉयल्टीज कंटिन्यू कर रहे हैं. रॉयल्टी में आज हम इलस्ट्रेशन 2 देखने वाले हैं. क्वेश्चन देखिए, ए लिमिटेड ने ऑब्टेन किया है बीएस लिमिटेड से लीज सम कोल बेयरिंग लैंड का. टर्म बीइंग अ रॉयल्टी ऑफ 15 पर टन वो देगा कोल के लिए, जो भी वो निकाल रहा है. ठीक है, मिनिमम रेंट 75,000 पर एनम रहेगा विद द राइट ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 4 इयर्स. पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, दो साल के लिए आपको रिकूपमेंट का टाइम दिया जा रहा था कि एक पर्टिकुलर ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग अगर होता है तो उसको आप आगे 2 इयर्स तक फॉरवर्ड कर सकते हैं. इसमें आपको दिया है 4 साल तक आप उसको लेके जा सकते हैं. आपको डिटेल्स दिया हुआ है, आपको उससे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट और बीएस लिमिटेड अकाउंट. बीएस लिमिटेड कौन है? बीएस लिमिटेड हमारा लैंडलॉर्ड है. तो लैंडलॉर्ड का अब आपको नाम दिया हुआ है तो आपको उसको यूटिलाइज करना है. ये सारे अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड. ठीक है, फर्स्ट में आपको दिया हुआ ईयर, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ईयर, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. हम किसके हिसाब से करते हैं? हम करते हैं आउटपुट के हिसाब से, हम चीजें निकालते हैं. ठीक है, मतलब कितना आउटपुट आपने किया, कितना प्रोडक्शन आपने किया या फिर आउटपुट आपने निकाला. ठीक है, जैसे माइंस वाला क्वेश्चन था पिछला, तो उसमें हमने आउटपुट लिया था. अब यहाँ पे आउटपुट की जगह आप क्या यूज करेंगे? प्रोडक्शन यूज करेंगे. ठीक है, सेम फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी. और एक और चीज, शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी एंड बीएस लिमिटेड अकाउंट सेम जैसा पिछले अकाउंट, पिछले में हमने बनाया था लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग, सेम वैसे ही ये अकाउंट्स प्रिपेयर होने वाले हैं. तो ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है. मेरे को ये क्वेश्चन को बस आपको समझाना है. ठीक है, और इसमें आपका ये जो स्टेटमेंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ. ठीक है, फर्स्ट देखिए, यहाँ पे हमको निकालना है कि हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया. तो आउटपुट अगर आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है कि इसमें से हमने सेल्स कितना किया, इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है. और देखिए, अगर आप सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक करें और इसमें से माइनस कर दें ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से अवेलेबल था, ये पिछले साल का होगा. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमने जो इस साल प्रोडक्शन किया उससे रिलेटेड है, सेल्स हमारा ओपनिंग क्लोजिंग और जो हमने बीच में प्रोडक्शन किया उससे इंक्लूडेड हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को डिडक्ट किया. तो सेम ये चीज आपको करना है हर साल के लिए. पर ईयर आप ये कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू नेट प्रोडक्शन. ठीक है, तो पर ईयर हम निकल लेते हैं 2009, 10, 11, 12 and 13. ठीक है, सेल्स आपको दिया हुआ है 2000, 3500, 4800, 5600 and 8000 rupees. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है. क्लोजिंग स्टॉक आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 300, 400, 600, 500 and 800 rupees. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपको अवेलेबल नहीं है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया. लेकिन अब देखिए नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2010 के लिए, 2010 का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा जो पिछले ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था? तो सेम आप वही चीज यहाँ पे शो करेंगे, पिछले ईयर का क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस करके लिखते जाइए, क्योंकि वही अगले साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक बनता है. आप टोटल कर लीजिए तो ये आपके नेट प्रोडक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, 2000 plus 300 that is 2300, 3500 plus 4000 minus 300 is equal to 3600, 4800 plus 600 minus 400 that is 5000, 5600 plus 500 minus 600 is equal to 5500 and lastly 8000 plus 800 minus 500 is 8300 rupees. तो ये हमारा आ गया नेट प्रोडक्शन. तो जो आप आउटपुट है, आउटपुट में आप ये चीजें शो करेंगे. ठीक है, ईयर वाइज हम ये शो करेंगे, तो 2009, 10, 11, 12 and 13 आउटपुट जो हमने अभी निकाला वो आप यहाँ पे शो करेंगे, 2300, 3600, 5000, 5500
8300। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा ये जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर दिया गया है, लेकिन मैंने जो फॉर्मेट यूज किया है हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था वही यूज किया है। ये फॉर्मेट में सारी चीजें आपकी कवर्ड है, तो आप ये जो फॉर्मेट है जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा वो सारे क्वेश्चन में आप यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली। तो हम यही फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको फॉर्मेट्स अलग अलग यूटिलाइज ना करना पड़े क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी कैसे निकलेगा, हमको 15 पर टर्न एक्चुअल रॉयल्टी बोल के रखा है, तो यहाँ पे आपका टर्न्स में दिया हुआ है आपको 2300 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे, दैट इज 34500। नेक्स्ट 3600 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज 54000। सिमिलरली ऐसे ही आपको आगे के वैल्यूज निकालने हैं, 75000, 82500 एंड 1,24,500 रुपीज। हमको मिनिमम रेंट स्पेसिफाइड है, मिनिमम रेंट आपको कितना दिया हुआ है 75000। हम यहाँ पे मिनिमम रेंट ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक वाला केस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेस शॉर्ट वर्किंग आपको निकालना है, एक्सेस शॉर्ट वर्किंग या फिर शॉर्ट वर्किंग आएगा, दोनों केसेस में दोनों चीजें आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्चुअल रॉयल्टी कितना है 34,500, मिनिमम रेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्चुअल रॉयल्टी, मतलब यहाँ पे क्या होगा शॉर्ट वर्किंग आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पैसे कम पड़ गए, ठीक है, रॉयल्टी कम आ रही है, इसलिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप शॉर्ट वर्किंग में शो करेंगे, दैट इज 40,500 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी हमारे पास शॉर्ट वर्किंग आ रही है क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी कम है, अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज 21,000 रुपीज। यहाँ पे आपका ना ही शॉर्ट वर्किंग है ना ही आपका एक्सेस वर्किंग है, 82,500 माइनस 7,500, यहाँ पे आपका एक्सेस वर्किंग आ रहा है क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सेस वर्किंग कितना है 7,500 रुपीज। लास्ट वाले में देखें तो 1,24,500 रुपीज माइनस 75,000 इज इक्वल टू 49,500 का यहाँ पे आपका एक्सेस वर्किंग आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये सारे इयर्स के एक्सेस और शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद हमको बोला गया है कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में शॉर्ट वर्किंग आ रहा है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने साल तक, 4 साल तक, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो अमाउंट है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, 40,500 है, इसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया। अगले साल भी आज हमारे पास शॉर्ट वर्किंग आया तो इस साल भी हम क्या सेटलमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 40,500 प्लस 21,000 रुपीज, दैट इज 61,500 रुपीज हम यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट ईयर में देखें तो हमारे पास ना ही एक्सेस है ना ही शॉर्ट वर्किंग है, तो ये भी आगे भी कंटिन्यू होगा, अब 4 साल तक कंटिन्यू हो सकता है, मतलब यहाँ तक आप पूरी तरीके से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास एक्सेस वर्किंग कितना है 7,500, तो ये पूरा हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए, तो ये हमने यूटिलाइज कर लिया। आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिया हुआ है कि राइट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ लीज के लिए रहेगा, मतलब जब से लीज स्टार्ट हुई है तब से हम ये 4 साल तक पूरे यूटिलाइज कर सकते हैं, किसके लिए, रिकूप करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 4 साल कब हो गए, 2009, 10, 11, 12 में हमारा 4 साल कंप्लीट हो गया, मतलब इसके आगे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो 61,500 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 54,000 रुपीज़ आपका क्या होगा, अब राइट ऑफ हो जाएगा यहाँ से, मतलब जो आपका ये एक्सेस वर्किंग है अब वो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको आपको एज अ रिक्रूटमेंट नहीं पेमेंट करना है, ठीक है। अब अमाउंट पेबल हम कैलकुलेट करते हैं, तो अमाउंट पेबल में आपको दो चीजें देखनी पड़ती है, दैट इज एक्चुअल रेंट, मिनिमम रेंट एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट दोनों में से हायर कौन है, मिनिमम रेंट, क्या यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, नहीं है, इसलिए यही अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, दैट इज 75,000, रिक्रूटमेंट नहीं है इसलिए 75,000 यहाँ शो होगा। नेक्स्ट एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट दोनों सेम है इसलिए 75,000 ही लिया जाएगा, और रिक्रूटमेंट नहीं है इसलिए 75,000 यहाँ शो होगा। 82,500 और 75,000 विच एवर इज हायर, दैट इज 82,500, इफ देर इज एनी रिक्रूटमेंट देन वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट दैट इज हायर फ्रॉम द बोथ ऑफ दिस, 82,500 माइनस 7,500 दैट इज इक्वल टू 75,000, एंड लास्टली 1,24,500 और 75,000 विच एवर इज हायर, दैट इज 1,24,500, एंड एज देर इज नो रिक्रूटमेंट देन वी हैव टू शो दिस अमाउंट, दैट इज 1,24,500 इन अमाउंट पेबल।
आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। इसी के साथ हमने मेमोरेंडम रॉयल्टी अकाउंट पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया। अब इसके बाद क्या प्रिपेयर करना है, तो इसके बाद आपको वो तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, दैट इज रॉयल्टी अकाउंट, BS लिमिटेड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो कि बहुत ईजी है, हमने पिछली क्लास में देख लिया था, वो आप खुद से प्रिपेयर करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने किसकी बुक्स में एंट्री करी, लेजी की बुक में, जिसने मीन्स लीज में लिया था, ठीक है, भले वो आपका बुक हो या फिर आपका लैंड हो फॉर माइंस और कोल्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की। जिसने लिया था उसका हमने कर लिया, अब जो दे रहा है उसका हमको करना है, दैट इज लैंडलॉर्ड और लेजर, ठीक है। अब इसकी ये बुक्स में आप अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, तो मिनिमम रेंट एग्जिस्ट विथ राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे क्या है, मिनिमम रेंट है और उसके साथ साथ रिकूप ऑफ शॉर्ट वर्किंग भी कवर्ड है, ठीक है। इन दैट केस जब एक्चुअल रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट है, एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम है, मतलब शॉर्ट वर्किंग अकर हो रहा है, ठीक है, इन दैट केस एंट्री क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी कि ये पेबल अमाउंट है, ठीक है, मतलब ड्यू है। ड्यू की एंट्री कैसी होगी, जो लेजी है उसका अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा, और एज हमको पैसे मिल रहे हैं हमारे लिए इनकम हो रही है, रॉयल्टी हमारे इनकम है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, और इसके साथ साथ अगर कोई शॉर्ट वर्किंग आ रहा है तो टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट, क्योंकि आपको मिल रहा है इसलिए आप इसको अलाउएबल करके शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, अब ये हो गया ड्यू कर दिया हमने, अब उसके बाद पेमेंट की एंट्री आएगी। पेमेंट की एंट्री में अब आपको पैसे मिलेंगे, इसलिए बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब इसमें टैक्स डिडक्ट हो सकता है, इसलिए TDS को हमने यहाँ पे डेबिट किया। टू लेजी अकाउंट, लेजी से ये हमको मिलेगा, ठीक है, हमने ये एंट्री शो की। अब लास्ट में जो भी आपको रॉयल्टी रिसीव होगी उसको आपको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, वहां पे हम एंट्री क्या कर रहे थे, P&L अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी, जब हम लेजी की बुक में कर रहे थे। अब लेजर की बुक में हमने ऐसे क्यों किया, क्या क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे हमको लॉस हो रहा था, लॉस हो रहा था इसलिए हमने P&L को डेबिट किया था, अभी हमको प्रॉफिट हो रहा है इसलिए P&L को हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मिनिमम रेंट, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस वर्किंग होगा। अब एक्सेस वर्किंग होगा, इन दैट केस आप एंट्रीज क्या पास करेंगे, अब एक्सेस है इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, अगर पुराना कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसको हमको यहाँ पे रिकूप होगा वहाँ पे, ठीक है। तो रिकूपमेंट की एंट्री कैसी होगी, पहले हम हमको शॉर्ट वर्किंग मिल रहा था, अलाउएबल था, इसलिए हमने उसको यहाँ शो किया। अब शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट हो रहा है, मतलब वो पैसे हमको अब नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कौन है, लेजर है, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, पहले आपको मिल रहा था इसलिए आपने उसको क्रेडिट किया था। टू लेजी अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री किस लिए किया हमने, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग के लिए, अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसका रिकूपमेंट के लिए ये एंट्री पास होगी। नेक्स्ट, इसके बाद पेमेंट हो रही है, ठीक है, तो पेमेंट की एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट, टू लेजी अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी हमारी, अब ये जो आपको रॉयल्टी रिसीव हुई है उसको आप क्या करेंगे, P&L में डालेंगे, जैसा हम उसमें कर रहे थे पिछले वाले केस में, ठीक है। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, एंड लास्ट में हम शो करेंगे, फोर्थ एंट्री हमारी होगी, दैट इज इसमें आपको जो भी आपने रॉयल्टी दैट इज शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट है उसको P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। ये कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो कि रिकूप नहीं हुआ, ठीक है, मतलब जितना पीरियड स्पेसिफाइड था उस पर्टिकुलर पीरियड में रिकूप नहीं हुआ, इसलिए हम उसको कहां लेके गए, P&L अकाउंट में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, बहुत ईजी है। अगर आपने लेजी के अकाउंट्स में समझ लिया, बुक्स में समझ लिया, तो लेजर के अकाउंट्स में बहुत ईजी है, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद जस्ट अपोजिट एंट्रीज जैसा आप पास कर रहे थे इन रॉयल्टी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेजी, सिमिलरली जस्ट अपोजिट एंट्रीज वी हैव टू पास इन रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट ऑफ लेजर. ठीक है, बिहार दैट इज लेजी अकाउंट जो होगा वो लैंडलॉर्ड अकाउंट से एकदम सिमिलर होगा, बस जस्ट अपोजिट एंट्रीज यहाँ पास होंगी. और सिमिलरली शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो होगा यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट वो भी जस्ट अपोजिट होगा एज कम्पेयर टू हमारे लेजी के अकाउंट से. ठीक है, एंट्रीज आपको यही यूटिलाइज करनी है उसके लिए. तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो आपको खुद से सॉल्व करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 3 सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड और लेजर है. ठीक है, तो वो आप खुद से करेंगे, बहुत इजी है. बस आपको लेजी के अकाउंट्स को अच्छे से समझना है, लेजर के अकाउंट्स आपको अपने आप बन जाएंगे. नेक्स्ट जो अब हम करने वाले हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5. इलस्ट्रेशन नंबर 4 से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ लेजी की बुक्स में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिलेटिंग टू ईयर्स 2008 and 2009 and 2011 and 2012 से रिलेटेड. पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आफ्टर टैक्स डिडक्टेड एट 20% एट सोर्स, मतलब हमने टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो पेमेंट किया है लैंडलॉर्ड को वो अमाउंट आपको दिए हुए हैं 8, 9, 9, 10, 10, 11 and 11, 12 के. फिर उसके बाद हमको अगर कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ था वो रिकवर हो गया है उसका अमाउंट दिया है, और शॉर्ट वर्किंग था लेकिन रिकवर नहीं हो पाया दैट इज हमने उसको राइट ऑफ कर दिया उसका अमाउंट आपको दिया हुआ है. जो भी बैलेंस शॉर्ट वर्किंग अकाउंट था जो कि April 1, 2008 का फॉरवर्ड किया हुआ है 800 rupees, जो कि 2008 and 2009 में हमने इसको फॉरवर्ड किया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शॉर्ट वर्किंग इज रिकवरेबल विद इन नेक्स्ट 2 years में आपको शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करना है फॉलोइंग द ईयर इन विच शॉर्ट वर्किंग अराइज. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट्स आपको शो करना है इन द बुक्स ऑफ लेजी. नॉर्मली लेजी के अकाउंट्स में पूछता है आपको चारों ईयर्स के लिए दैट इज 8, 9, 9, 10, 10, 11 and 11, 12 के लिए आपको शो करना है. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सारी चीज़ें हमको खुद से फाइंड आउट करनी है सबसे पहले. ठीक है, जो जो चीज़ें हमको दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी. ठीक है, फर्स्ट हमको क्या क्या दिया हुआ है देखिए. हमको बोला गया है कि आपको अमाउंट दिया हुआ है जो कि पेमेंट हम करेंगे, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड जो आप करने वाले हैं दैट इज आफ्टर टैक्स. टैक्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था फिर उसके बाद डिडक्ट करके फिर अमाउंट आया. ठीक है, तो ये 8, 9 का है, 9, 10, 10, 11 and 11, 12. ठीक है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आपको अमाउंट डायरेक्टली दिए हुए हैं यहाँ पे 12,000, यहाँ 12,000, यहाँ 12,000 एंड लास्टली 19,200 rupees. ठीक है, इसमें पहले आपने क्या किया होगा टैक्स को डिडक्ट कर दिया होगा, लेकिन अभी हमको कौन से अमाउंट में पहुंचना है कि हमारे पास कितना एक्चुअल रॉयल्टी हमको वहां पहुंचना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वापस से ऐड करना पड़ेगा जो भी आपने TDS डिडक्ट किया था. TDS बोला जा रहा है कि 20% हमने पहले काटा था, 20% काटा था. तो अब देखिए हमारे पास समझ लीजिए 100 rupees है. ठीक है, 100 में से 20 rupees काट दिया दैट इज 80 rupees आपको मिला, ये 80 rupees आपको दिया हुआ है. ठीक है, 80% ही आपको, 100% हमारे पास वैल्यू थी जिसमें से 20% हमने डिडक्ट कर दिया तो आपके पास कितना बचा 80%. तो ये जो वैल्यू आपको दी हुई है वो 80% है. ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है कि 20% वाली वैल्यू क्या होगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का मैं आपको बता रही हूँ 12,000 मल्टीप्लाइड बाय आपको किसकी वैल्यू चाहिए 20 वाले की, आपको किसकी वैल्यू दी हुई है 80 वाले की, तो उससे डिवाइड कर दीजिए, जो आपको वैल्यू दी हुई है उससे डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आपको निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो 12,000 × 20/80 अगर आप ये करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आएगी 3,000, यहाँ पे भी 3,000 क्योंकि 12,000 ये अमाउंट है, यहाँ पे भी 3,000 और लास्ट वाले में अगर आप कैलकुलेट करें तो 19,200 का 20/80 इज इक्वल टू 4,800 rupees. टोटल किया जाए अगर अमाउंट तो यहाँ पे आपका आएगा 15,000, 15,000, 15,000 and 24,800. ये हमारा अमाउंट है जो कि आप पेमेंट टू लैंडलॉर्ड बोल सकते हैं और ये अमाउंट हमारा बिफोर टैक्स है. ठीक है, टैक्स के अलावा अगर कोई शॉर्ट वर्किंग आता है ठीक है तो उनको हमको डिडक्ट करना पड़ता है, और अगर कोई रिक्रूटमेंट आता है तो उनको हमको ऐड करना पड़ता है. तो रिक्रूटमेंट है मतलब आप इसमें से पैसे दे रहे हैं उनको. ठीक है, शॉर्ट वर्किंग है मतलब हमारे पास से यहाँ पे से पैसे हट रहे हैं.
ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा कितना शॉर्ट वर्किंग है और कितना रिकूपमेंट है। तो आपको शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड करके अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में अलग से, उसको हम क्या बोलते हैं रिकूपमेंट। तो रिकूपमेंट आपको दिया हुआ है 2009-10 में आया, 10-11 में आया। 9-10 में आया 2500 रुपीज एंड 10-11 में आया 1000 रुपीज। रिकूपमेंट को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिकूपमेंट जब हुआ था तब हमने इसको डिडक्ट किया था, इसलिए अभी हमको इसको वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग कैसे निकाला जाएगा उसको हमको समझना पड़ेगा। शॉर्ट वर्किंग हमको फाइंड आउट करना है पहले तो ये किस ईयर में आएगा, ठीक है। तो देखिए आप अगर क्वेश्चन देखें तो बोला गया है कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो कि हमने फॉरवर्ड किया है वो आपको दिया हुआ है 800 रुपीज, ठीक है। तो ये 800 रुपीज हमारा एक हो गया शॉर्ट वर्किंग जो कि 2008-09 का है, ठीक है, ये 800 रुपीज। प्लस इसके बाद अगर आप चेक करें तो इसके बाद हमारे पास अमाउंट आता है, हमको बोला गया है कि रिक्रूटमेंट हो रहा है 2009-10 में 2500 का, समझिएगा ध्यान से इसको, हाँ इम्पॉर्टेंट है। हमको बोला गया है कि 2500 का रिक्रूटमेंट हो रहा है, कब हो रहा है, 2009-10 का, ठीक है। ये जो 2009-10 में रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें कुछ अमाउंट आपका 2008-09 का भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ अमाउंट इससे पहले का भी हो सकता है, दैट इज 2007-08 का, ठीक है। हमको क्या बोला गया है कि 2 साल तक आप शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हैं। तो ये 2 साल हैं जिनके अमाउंट यहाँ पे रिकूप हो सकते हैं, है ना। तो 2007-08 का जो अमाउंट है वो आपको दिया हुआ 800 जो कि हमने 2008-09 में कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो ये और आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, हो सकता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 2500 हुआ है जिसमें से 2007-08 का 800 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचता है, 1700 जो कि 2007-08 का नहीं है क्योंकि 2007-08 का हमको स्पेसिफाई कर दिया है। तो 2008-09 का होगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो आपका अमाउंट है ये कब का है, 2008-09 का 1700, ठीक है। तो ये हमारा रिकूप हुआ। दूसरा ये शॉर्ट वर्किंग में ऐड होगा, कब के शॉर्ट वर्किंग में ऐड होगा, ये होगा ऐड ऑफ 2008-09 क्योंकि ये दोनों 2008-09 से रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखें तो आपको जो 2010-11 में दिया हुआ है उसमें भी हमारा 2008-09 का ऐड हो सकता है, क्योंकि देखिए आप क्या बोला जा रहा है इसको भी समझिएगा। हमने ये समझ लिया, नेक्स्ट अमाउंट आता है 1000 रुपीस जो कि कब का है, 2010-11 में रिकूप हुआ है। 2010-11 में कौन कौन से अमाउंट रिकूप हो सकते हैं, एक हो सकता है 2009-10 का और एक हो सकता है 2008-09 का, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो 2009-10 में हमको बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे एक्सेस वर्किंग आया है, तो एक्सेस वर्किंग अगर आया है तो आपका शॉर्ट वर्किंग नहीं आ सकता, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग नहीं आ सकता तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास गया, बचा कौन सा 2008-09, ये हम 2008-09 का ही शॉर्ट वर्किंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 1000 रुपये है जो आपने रिकूप किया वो किससे रिलेटेड है, वो भी रिलेटेड है 2008-09 से। वापस से मैं आपको चीजें रिकैप कराने की कोशिश करती हूँ। हमको सबसे पहले दिया हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमारे पास जो कि हमने कैरी फॉरवर्ड किया 2008-09 में किससे रिलेटेड होगा, 2007-08 से। अमाउंट कितना है, 800 रुपीज, ये हमको स्पेसिफाई कर दिया कि इतना शॉर्ट वर्किंग आप 2008-09 में शो करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसके बाद हमको दिया हुआ है 2009-10 में हमने रिकूप किया कितना, 2500 रुपए। रिकूप किया मतलब पिछला कुछ शॉर्ट वर्किंग होगा उसी को हमने रिकूप किया है। और कितने साल की शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूप कर सकते हैं, 2 साल की आगे तक जा सकती है। तो 2009-10 में कौन कौन से अमाउंट्स हो सकते हैं, 2008-09 और 9-7-8, ठीक है। 7-8 का 800 है स्पेसिफाई कर दिया गया था, मतलब जो 2500 में से 800 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो किससे रिलेटेड है, 2008-09 से। तो ये हमने यहाँ शो कर दिया। उसके बाद आता है 2010-11, उसका भी आपको रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, दैट इज 1000 रुपीज हमने वहां रिकूप किया। इसमें कौन कौन से अमाउंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, एक तो 2009-10 के और एक 2008-09 के। 2009-10 में एज हमको एक्सेस वर्किंग हुआ था, दैट इज उस 2009-10 में हमने रिक्रूटमेंट किया, मतलब हमारे पास एक्सेस अमाउंट था, वहां पे वर्किंग शॉर्ट वर्किंग नहीं हो सकता। तो लास्ट हमारे पास बचता है 2008-09, इसीलिए जो पूरा 1000 का अमाउंट है वो किससे रिलेटेड है,
ये हुआ हमारा शॉर्ट वर्किंग कब का है, मैंने आपको बताया 2007-8 का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितना आया 1700 प्लस 1000, ठीक है, ये कब का है 2008-9 का। इसके अलावा अगर आप चेक करें तो इसके अलावा हमारे पास एक और चीज दिया हुआ है, दैट इज शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ। कब हमने राइट ऑफ किया है, 2010-11 में राइट ऑफ किया है 500 रुपीज। अब ये किससे रिलेटेड हो सकता है, 9-10 और 10-11 से रिलेटेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन पर्टिकुलर ईयर्स में हमको क्या हुआ, रिकूप किया है हमने, ठीक है। तो कौन सा ईयर आता है, 2008-9, तो 2008-9 से ये रिलेटेड है 500 रुपीज। अब यहाँ पे ये 2007-8 से रिलेटेड 800 रुपीज, 1700 प्लस 1000 प्लस 3500 इज इक्वल टू 3200 रुपीज रिलेटेड टू 2008-9। तो अब ये जो शॉर्ट वर्किंग है वो आप कितना शो करेंगे 8-9 में, 3200 रुपीज। तो ये अमाउंट अब यहाँ पे हम शो करते हैं शॉर्ट वर्किंग को आप यहाँ से डिडक्ट करेंगे। 8-9 में आपका शॉर्ट वर्किंग आया है 3200 रुपीज। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज अमाउंट पेबल जो हमारा आता है 11,800 हमको ये माइनस करना है इससे, यहाँ पे ऐड होगा 17,500, 16,000 एंड 24,800 रुपीज। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो अच्छे से। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4 में इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कैसे चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो वापस से वीडियो को देखिए, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमको क्या क्या दिया हुआ था, सबसे पहले हमको पेमेंट दिया हुआ था लैंडलॉर्ड का, TDS का बोला गया था कि TDS काट के दिया हुआ है, तो TDS हमको ऐड करना पड़ा वापस। TDS ऐड करने के बाद हमने शॉर्ट वर्किंग्स को डिडक्ट किया और रिक्रूटमेंट को ऐड किया। शॉर्ट वर्किंग्स निकालना थोड़ा टफ था, रिक्रूटमेंट आपको डायरेक्टली दिया हुआ था। शॉर्ट वर्किंग्स निकालने के लिए हमको अलग से एक शॉर्ट वर्किंग बताया गया है जो कि 800 रुपये है, और वो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है टू 2008-9, मतलब वो प्रीवियस ईयर का, दैट इज 2007-8 का, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है 2500 रुपीज जो कि रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट हमने कब का किया होगा, हमने किया उससे पहले ईयर का, दैट इज 1700 उससे पहले ईयर का, दैट इज 2008-9 का, और 1000 रुपीज और रिक्रूटमेंट हुआ उसके अगले साल, वो भी किससे रिलेटेड है, 2008-9 से। उसके बाद जो राइट ऑफ हुआ है वो भी आपके 2008-9 से रिलेटेड है, क्योंकि 2 साल का बस लिया जा सकता है और 2 साल पीछे जाएं तो 2008-9 ही हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है। तो 500 रुपीज़ उसका ऐड करके 3200 रुपीज़ ये आया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। इसके बाद आपको रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो कि सिमिलर है टू दैट ऑफ हमने जो स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बस बचता है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये मैं आपको अगली क्लास में कंटिन्यू कराती हूँ, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।